हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अगर बात की जाए आज की डेट की, तो अभी एक वीडियो ऑलरेडी डाली है, यहाँ पर देख सकते हैं। 1 लाख रुपए का शेयर मिल रहा है केवल 1100 रुपए में। मतलब 1100 रुपए में मिल रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? और ये आपको 50,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, 50 लाख रुपए कब कब में बदल देगा पता नहीं चलेगी। इतना बेहतरीन शेयर है और कंपैरिजन तो इसका इंडियन कंपनीज के साथ है ही नहीं। और बात की जाए कल की डेट की, यहाँ पर वीडियोस बनाई गई थी। इससे पहले यहाँ पर एक 30 स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाई गई थी, आज की डेट में भागते हुए दिखे थे। इसके अलावा इन्फो एज की बात करें, हमने काफी टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी। अगेन अभी रिजल्ट आया था, वीडियो बनाई थी, आज की दिन में 6-7% भागता हुआ मिला। साटिया के ऊपर वीडियो बनाई थी, ओके साटिया अगर यहाँ पर कल परसों ही बनाई थी, और लगभग लगभग 7-8% के रिटर्न, 10% के रिटर्न यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 5 डेज पहले ही वीडियो बनाई थी, 93 रुपए का स्टॉक्स था, उसके बाद 90 तक आया, आज की डेट में 100+ तक ही स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया। तो इन वीडियो को जाके देखिए, और ये कुछ ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी यहाँ पर बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और आज की डेट की वीडियो एक जेन्युइन वीडियो है, और बात की जाए 100% तक के रिटर्न आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे, जानेंगे उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल, सब चीज से रिलेटेड। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट कराए ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन ले सके। और कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके यहाँ पोजिशन लेनी है। प्ले लिस्ट बना रखी है आपके लिए, वहां पर जाइए, गो थ्रू करिए, नॉलेज लीजिए और फिर मार्केट में पैसा कमाइए। तो आइए वीडियो की तरफ। जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, नाम आपको पता चल गया, बट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर 5 डेज का चार्ट पैटर्न, 5 डेज का चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन में यहाँ पर एक गिरावट होती हुई दिखाई दी है, वो भी आप देख सकते हैं 5% की। 5 डेज का चार्ट पैटर्न अच्छा है, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, वो भी कंसोलिडेशन फेज ही कह सकते हैं। 6 मंथ में देख सकते हैं अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है, 1 ईयर का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे बीच में हर्डल लगे हैं। अगर बात करें यहाँ पर, ये शेयर 87 पे चलता था, फिर उसके बाद 90% की गिरावट यहाँ पर होती दिखाई दी। फिर अगेन बात करें यहाँ पर शेयर अच्छा खासा चल रहा था, फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी 80% की गिरावट होती ने दिखाई दी। फिर दोबारा शेयर चल रहा है, तो शायद आगे चल के फिर और यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए भी रेडी रहना, बट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और न्यूज भी है। और जब दो चीज यहाँ पर मिल जाती है तो यहाँ पर जब टारगेट होते हैं ना, तो टारगेट अचीव होते हुए नजर आते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर्स की, तो यहाँ पर पहले बात करते हैं जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर करता क्या है। तो अगर बात करें जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 1992 में बना था। अगर बात करें ये मीटर एंड मीटर सॉल्यूशन एंड अंडरटेकिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑनर टर्की बेसिस, अगर बात की जाए ये बनाता हुआ नजर आता है मीटर्स, जो आपके घरों में जो मीटर यूज होते हैं, एज वेल एज यहाँ पर कमर्शियल जो मीटर यूज होते हैं, तो ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। और बात की जाए इंडिया की, तो 26% तक की जो है यहाँ पर मार्केट कैप्चर इस कंपनी ने कर रखा है, दूसरी बात। तीसरी बात अगर बात की जाए, इट इज अ फर्स्ट कंपनी एसी सप्लाई 1.5 मिलियन स्मार्ट मीटर्स, मतलब एशिया की ऐसी पहली कंपनी जिसने एक 1.5 मिलियन यहां पर मतलब बात की जाए 15 लाख मिलियन मतलब 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख स्मार्ट मीटर यहां पर इन्होंने सप्लाई किया है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इस शेयर से रिलेटेड बातें क्यों हो रही है, पहले इस चीज को जान लेते हैं। तो इसके पीछे बातें इसलिए हो रही है, देखिए जैसे जैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है, जैसे जैसे घरों पे जोर दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हर के पास हर हर किसी के पास घर होना चाहिए, ओके। और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, करोड़ अगर बात की जाए, करोड़ ऑफ पीपल, करोड़ लोग ऐसे हैं कि उनके पास घर नहीं है। और जैसे जैसे घर बनेंगे, जैसे जैसे फ्लैट्स बन रहे हैं, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मीटर तो लगना ही है, हर एक घर में एक मीटर तो लगता ही है। और आने वाले कुछ टाइम में शायद 3 करोड़ मीटर लगते हुए नजर आएंगे। और तो जब ये सबसे बड़ा मार्केट है, ओके, सबसे बड़ा शेयर यहाँ पर ये नजर आता है, 26% का इन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो अगर 3 करोड़ मीटर में से अगर 26% यहाँ पर देखा जाए, तो अच्छे खासे यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं सामने। और अगर बात की जाए यहाँ पर अगर देखे, ये आरके एनर्जी मिनिस्टर है आरके सिंह, इन्होंने बताया ही है, देखिए सीसीएम मीट है पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मीटर, वी हैव डन अ लॉट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर पावर रिफॉर्म्स यहाँ पर होता जा रहा है, आप इंडिया को अलग से ही पावर मतलब
बात की जाए यहाँ पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है इस चीज में, तो आप देख सकते हो 3.3 लाख करोड़ रुपीज इंक्लूड 97,000 करोड़ सेंट्रल आउटले। यहाँ पर अच्छा खासा पैसा इस चीज में खर्च किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में खर्च किया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा एज वेल एज अगर यहाँ पर पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले REC का, यहाँ पर इसी तरीके से एक वीडियो हो रहा है जीनस पावर के ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और जैसे जैसे रियलिटी स्टेट तैयार होगा, हर एक के घर में घर दिया जाएगा, हर एक जैसे जिस तरीके से फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, रियलिटी किस तरीके से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये शेयर में भी 4 चांद लगने को तैयार हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर देखिए, मेकिंग स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट ग्रिड पॉसिबल, ओके, जीनस स्मार्ट मीटर्स मतलब मीटर्स बनाते हुए नजर आता है। यहाँ पर अगर बात की जाए, वर्ल्ड इज एडवांसिंग, यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है इन्होंने कि इंडिया अलोंग विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन करोड़, मतलब 130 करोड़ की यहाँ पर लोग है, थाउजेंड ऑफ विलेजेस इन द प्रोसेस ऑफ द बींग कनेक्टेड टू ग्रिड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब अब इस बार क्या हो रहा है कि जितने बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं, जो कि अगर बात की जाए अब उनके पास घर नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो उन्हें भी कनेक्ट किया जा रहा है कि एक तो घर भी दिया जाए और एज वेल एज बात की जाए काफी गांव में बिजली भी नहीं, और जब बिजली आएगी तो ऑब्वियसली बात है मीटर तो लगना ही है, क्योंकि सरकार फ्री में बिजली तो देगी नहीं, पैसे तो लेगी, तो ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा यहाँ पर ये छापते हुए नजर आ सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए, ये शेयर एज वेल एज बहुत और भी यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे, बैटरी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, इन्वर्टर UPS बनाती हुई नजर आती है, सोलर प्रोडक्ट्स ये बनाती हुई नजर आती है, तो यहाँ पर इस चीज को देखिए एक ही काम में नहीं है, बहुत सारे कामों में यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावा मीटरिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट, हाइब्रिड माइक्रो सर्किट्स, तो ये कंपनी एज वेल एज अगर बात करें इसके साथ साथ, तो ये इसके जो फाइनेंस है ना वो अब काफी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए मार्केट कैपिटल की, 1788 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है, और बात करें PE तो 26 के PE पे यहाँ पर कंपनी यहाँ पर आपको मिल रही है, ROCE 11% का है, डेट की बात की जाए 22% का डेट है, कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है, ये तो हो गई इसकी बातें। इसके अलावा अगर बात करते हो कुछ और चीजों की, तो यहाँ पर देखिए सेल्स, तो 2018 में 239 करोड़ की सेल्स थी, सेल्स कंटिन्यूसली यहाँ पर एक ही दायरे में आती हुई दिखाई दी है, बट यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, आप देख सकते हैं 84 करोड़, मतलब सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ पेंडेमिक था, बट उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, और जब कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है तो ऑब्वियसली बात है इन सबको अब जिस तरीके की न्यूज भी आ रही है, तो ये सारे के सारे फिगर पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 करोड़ रुपीज के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी इस टाइम आया, जो कि हाईएस्ट एवर है, एक बार यहाँ पर आया था 2019 में सितंबर में, उसके बाद यहाँ पर सबसे अच्छा यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे बात करते हैं तो यहाँ देखिए 858, 642, 835, फिर 1000 करोड़, ये 1000 में ही चल रहा था, यहाँ पर एक गिरावट आ गई, और दोबारा अब जब यहाँ पर अच्छी खासी सेल्स आनी शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर दोबारा ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, ऐसा कोई भी साल नहीं गया जहाँ पर ये नेगेटिव हो। सबसे मेन बात यह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कम बढ़ हो जाए चलेगा, बट बात करें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, 882 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व्स है, हाईएस्ट एवर। एज वेल एज बोराइंग की बात करें, कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ बोराइंग कम कर रही है, 195 करोड़ ही रह गया है। फिक्स एसेट में यहाँ पर पैसे खर्च करते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर में नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में कंपनी ने 259 करोड़ रुपए खर्च करे। कैश की बात करें तो कंपनी के पास 115 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 108 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो 50% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। FIs यहाँ पर नहीं है ज्यादा। DIs की बात करें, DIs यहाँ पर 6-7% की सरकारी यहाँ पर रखते हैं, जिसमें से रिलायंस कैपिटल, UTI, निपॉन लाइफ यहाँ पर पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देता है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 42 दिखाई देता है, बट ये 42% नहीं है, यहाँ पर देखिए 10.7 1% 1% 1% 1%, तो ऐसे इस तरीके से बात करें पर 16-17% की सदर ये है, जो इसमें से अगर आप घटा देते हैं तो लगभग लगभग 27-28% की सदर यहाँ पर देखती हुई मिलती है पब्लिक की। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ इसके चार्ट पैटर्न से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई पे तो नहीं चल रहा है शेयर, यहाँ पर इससे पहले अगर यहाँ पर देखे तो यहाँ पर ये यह शेयर है, एक बार यहाँ पर मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग, फिर इसके बाद देखते हैं इसके टारगेट, इसके टारगेट आपका पैसा डबल होता हुआ नजर आ रहा है,
और ये शेयर डबल डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर एक बार रुका, मतलब एक बार रेजिस्टेंस यहाँ लिया, फिर एक बार रेजिस्टेंस यहाँ लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट कर दे दिया, जो कि होता भी है कि इस तरीके से जब ब्रेकआउट होना होता है ना, तो ब्रेकआउट होता ही यहाँ पर देखिए शोल्डर बनाया इसने एक, फिर इसके बाद एक बड़ा सा हेड बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर फिर दोबारा एक शोल्डर बना जो कि एक ब्रेकआउट हो गया, और शायद ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है और नीचे आके यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। ये 54 रुपए तक जो इसका 50 DMA है यहाँ तक आ सकता है, इस पे इसे एक स्टॉप लॉस की तरह तैयार रखिएगा, और बाकी फिर जब ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा तो इसके जो टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके बेहतरीन टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर रेवेन्यू अच्छी खासी दोबारा जनरेट आनी होनी शुरू हो गई है, और जब यहाँ पर सब चीज सपोर्ट कर रही हो तो, और न्यूज जब यहाँ पर साथ में आ रही है, तो ये शेयर फिर ऑपरेटर भगाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और जो इसके ऑल टाइम हाई है वहां तक भी ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर दीजिए इसे, बट यहाँ पर देख लेते हैं इसका टारगेट, तो इसका टारगेट नजर आ रहा है मतलब 109 रुपए के आसपास, 110 रुपए का टारगेट नजर आ रहा है, जो इसके रिसेंट हाई से अगर बात करें, रिसेंट अभी जो इसका टारगेट चल रहा है ये 66 रुपए, अगर यहाँ से भी अगर हम देख लेते हैं तो कितना रुपए, तो अभी भी ये 65% का गेन नजर आ रहा है, जो कि एक साल के अंदर अंदर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला अगर बात करें तो सबसे पहला टारगेट तो इसका यही है जो यहाँ पर सामने आपके दिखाई दे रहा है, जो इसका ऑल टाइम हाई है, और एक बार यहाँ पर आ गया तो उसके बाद दोबारा एक कोई चार्ट पैटर्न बनाएगा शायद, फिर उसके वहां जाके ब्रेकआउट दे दे, या फिर नीचे आ जाए फिर ब्रेकआउट दे, और उस तरीके से जब जाएगा तो और बेहतरीन इसके रिटर्न से इसका चार्ट पैटर्न बनता हुआ उभरेगा, और अच्छा खासा ऑल टाइम हाई दोबारा लगाते हुए दिखाई देगा। बाकी शेयर काफी बेहतरीन है, और जब ऑपरेटर चलाना शुरू करते हैं तो अच्छा खासा चलाते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी, अब केवल ऊपर की तरफ जाने का यहाँ पर बहुत सारे चांसेस है। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों को कनेक्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।